नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। हरदोई जिलाधिकारी अविनेश कुमार ने बताया है कि हरदोई जनपद में कुल 109 गौ संरक्षण केंद्रों में 13,000 और सहभागिता योजना के अंतर्गत 3,000 पशुओं को संरक्षित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 16,000 पशुओं को संरक्षित किया गया है। इसके अलावा जहां से भी छुट्टा पशुओं की शिकायत आती है वहां एक टीम बनाकर उनको पकड़कर संबंधित गौ आश्रय स्थलों पर भेजा जाता है। इसमें ग्रामीणों को पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। पिछले 2-3 दिन के अंदर लगभग 300 पशुओं को ग्रामीणों से प्राप्त तो सूचना के आधार पर संरक्षित किया जा चुका है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन के अंदर अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौ आश्रय स्थल पहुंचाया जाए, जिससे कोई भी छुट्टा पशु सड़क पर ना दिखाई पड़े। इसके लिए जिला स्तर पर एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20 से 30 पशुओं का पशु बाड़ा अस्थायी रूप से तैयार किया जाए, जिसमें तिरपाल, चारा, पानी और दवाओं आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो। सर, हरदोई में छुट्टा पशुओं को लेकर निर्देश दिए गए हैं और क्या कार्य योजनाएं बनाई गई हैं? देखिए, हरदोई जनपद में 109 गौ संरक्षण केंद्रों पर लगभग 13,000 पशु और सहभागिता योजना के अंतर्गत लगभग 13,000 पशुओं को संरक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ कुछ स्थानों पर छुट्टा पशुओं की जहाँ से शिकायत आती है तो वहाँ पर टीम बना के उनको पकड़ कर संबंधित गौआश्रय स्थलों पर भेजा जाता है। अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन का वृहद स्तर पर अभियान चलाकर कोई भी छुट्टा पशु ग्रामों में ना दिखाई पड़े, इसके लिए एक सघन अभियान चलाया जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है कि संबंधित ग्राम पंचायत में एक छोटा 20 से 30 पशुओं का पशु बाड़ा अस्थायी रूप से बना लिया जाए, जिसके ऊपर त्रिपाल की व्यवस्था और चारे पानी की व्यवस्था और उनके जो टीकाकरण की जो उनको दवा वगैरह की उपलब्ध कराने की वो है उसकी व्यवस्था करा ली जाए। और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग जो हमारे गौ आश्रय स्थल संचालित हो रहे हैं उन सब में हम लोगों का प्रयास है कि 10 दिन के अंतर्गत 50 अतिरिक्त पशुओं को संरक्षित करने के लिए शेड का निर्माण कर लिया जाए। इस प्रकार कुल हम लोग लगभग 5,000 अतिरिक्त पशुओं को 10 दिन के अंदर संरक्षित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। इसमें ग्रामीणों द्वारा भी हमारा सहयोग किया जा रहा है। 2-3 दिन के अंदर लगभग हम लोग 300 पशुओं को संरक्षित कर चुके हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे टढ़ियावा में और भरावन में। जैसे जैसे ग्रामीण हमें पशुओं के बारे में बताते हैं तो उन्हीं के द्वारा पकड़कर हम लोगों को अवगत कराया जाता है, उसके बाद हम लोग उनको संबंधित क्षेत्रों में भेजते हैं। इसके अलावा इसके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए आज सभी BDOs प्रधान और सेक्रेटरी की बैठक करके उनको अवगत करा रहे हैं। कल मेरे द्वारा विभिन्न किसान संगठनों को बुलाया गया है और जनपद में जो ये हमने कार्ययोजना बनाई है उसके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा और सभी जन सहयोग से इस समस्या का हम लोग निराकरण करेंगे। अवगत कराने के लिए आज संबंधित BDO सेक्रेटरी और ग्राम प्रधानों की बैठक कराई गई और कल किसान संगठनों के साथ बैठक की जा रही है, जिसमें कार्य योजनाओं के संबंध में उनको अवगत कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के सहयोग से हम समस्या से निजात पा सकेंगे, अंततः इस अभियान में प्रशासन का सहयोग रहा। सैलाब ब्यूटी जॉइंट, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD 3D सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथिंग, रिमोल्डिंग, कैरेटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5,000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।